बार मेरा आपसे एक और सवाल है कि तो आपके पास पहले मतलब पहला प्रोजेक्ट तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था, उनका क्वेश्चन ये आपसे जिस तरीका है ना कि मुरारी दास राम ने मलबारी स्थिति उठाई के खिलाफ जनता के खिलाफ अतिवादी प्रस्तुत किए, उन्होंने तैयार तो आपका जवाब के जब मौला हुसैन देख के करबला में उन्हें मान लिया कि वो तंगी करने के लिए जो कि ताजे बात है उनको घेरा गया था ऊपर तक लगा दी, तो उसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन है उसमें मेरा ये कि आगे यजीद एक ऑप्शन रखा या बैत करो या कत्ल हो, तो जिस ऊपर मौला ने बैत नहीं नहीं इस तरह का इस ऑप्शन नहीं था, इस ऑप्शन नहीं था कि या बयात करो या कत्ल हो जाओ, उस ऑप्शन ये था कि या तुम हमारे फैसले पे उतर जाओ, वो फैसला भी किसका इराक का जो गवर्नर था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उसके फैसले पे उतर जाओ, वो तुम्हारे साथ जो करे, इस तरह नहीं था कि अब बयात करो हम तुम्हें छोड़ दें, इस तरह नहीं था, इस तरह यह था कि तुम इब्न ज़ियाद के फैसले पे उतर जाओ या तो हम यहाँ पे कत्ल, ठीक है ना, इसका मतलब था कि हाँ बयात करो हम तुम्हें छोड़ देंगे, हमारे फैसले पे उतर जाओ, अब तुम्हारे साथ जो करे हमारी मर्जी, हाँ वो नहीं बता रहे थे, वो नहीं बता फैसला क्या, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद बताते थे कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं हर हालत में, मैं किसी जानवर के सुराख में भी जाके छुप जाऊं, किसी जानवर के वो मुझे वहां से निकाल के मुझे कत्ल कर देंगे, वो खुद फरमाते थे, तो वो जो फैसला कह रहे थे कि हमारे फैसले को उतर जाओ, वो हर हालत में इनको कत्ल करना चाहते थे, अगर पकड़ गए मसलन ये तस्लीम हो जाते तो वो जलील करके उनकी बेहरमती करके कत्ल करते, और अगर मसलन उन्होंने जो अगर उन्होंने जंग से लड़ी है तो इज्जत से इज्जत की मौत उन्होंने तैयार किया, ठीक है, और उसकी दलील भी यही है कि इब्न ज़ियाद ने खत लिखा उमर इब्न साद को, उमर इब्न साद कौन है, साद इब्न वक्कास का बेटा, उसको उसका कमांडर था इराक और करबला, कि मुझे पता है एक शख्स जब कत्ल हो जाता है तो फिर उसकी उसकी बदन को अगर आप मार पीट लें तो उसका फायदा नहीं है, लेकिन मेरा दिल ठंडा करने के लिए ये जब कत्ल हो जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन शरीफ पे अपने घोड़े दौड़ा उसका हुक्म था, ठीक है ना, तो ये लोग मेरा दिल ठंडा करने के लिए, तो ये लोग इंतकाम लेना चाह रहे थे, किस चीज का इंतकाम, इनके जो इनका जो पुराने जो लोग मरे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हाथों, वो उसका इंतकाम लेना चाह रहे थे, वो इल्ला यानी इल्ला कोई वजह नहीं था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर छोड़ देते उनके साथ सुलह करते वो ऑप्शन था, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से बनी उमैया की जानिब से वो ऑप्शन वो दरवाजा हमेशा बंद रहा, ये भी दरवाजा।